जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। उमर जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और अब पार्टी दल के नेता चुने गए उमर अब्दुल्ला आखिरी बार 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने गांदरबल और बड़गाम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह दोनों सीटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, जबकि लोकसभा का चुनाव इसी क्षेत्र से वे हार गए थे। के हवाले से जो फैसला हुआ वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई, लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट MLA जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स सो 46।